नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस जो कि अपने काम से ज्यादा अपने बयानबाजी की वजह से चर्चा का विषय बनी रहती है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस ऐसी हैं जो अपने काम की वजह से तो चर्चे में है ही, लेकिन अपने बयान के वजह से उससे ज़्यादा चर्चे में रहती हैं। अपने तीखे बयानबाजी की वजह से लोग उन्हें हमेशा चर्चा का विषय मानते हैं, हमेशा वो चर्चा का विषय बनी रहती हैं अपने तीखे बयानबाजी के वजह से, और उनके बयानबाजी के वजह से उन पर खतरा मंडराता रहता है। अब ऐसे में उनके तीखे बयान के वजह से उनको जान से मारने की खुलेआम धमकी मिल चुकी है। अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं कि मैं किस एक्ट्रेस के बारे में बता रही हूं, तो इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं कि हम किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही हैं, तो इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने बयानों के कारण चर्चे में रहती हैं। कई विवादित बयान देने के बाद अब कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद कंगना ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस में एक FIR दर्ज करवा दी है। कंगना का कहना है कि पंजाब के भटिंडा के एक व्यक्ति ने उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दे दी है। कंगना के FIR की कॉपी के साथ पंजाब के स्वर्ण मंदिर की अपनी तस्वीर शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है। कंगना ने अपने इस नोट में लिखा है कि मुंबई में हुए आतंकी हमले के शहीदों को याद करते हुए मैंने लिखा था, गद्दारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए और ना भूलना चाहिए। इस तरह की घटना में देश के अंदरूनी देशद्रोही गद्दारों का हाथ होता है। देशद्रोही गद्दारों ने कभी पैसे की लालच में तो कभी सत्ता की लालच में भारत माँ को कलंकित करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। देश के अंदरूनी चयचंद और गद्दार षड्यंत्र रच देश विरोधी ताकतों को मदद करते रहे हैं, तभी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। मेरे इसी पोस्ट पर मुझे विघटनकारी ताकतों की तरफ से निरंतर धमकियां मिल रही हैं। भटिंडा के एक भाई साहब ने तो मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकी तक दे दी। कंगना ने आगे लिखा है कि मैं इस तरह की गिद्दर भपकी या धमकियों से डरने वाली में से नहीं हूं। देश के खिलाफ संयंत्र करने वालों और आतंकी ताकतों के खिलाफ बोलने वालों को हमेशा बोलती रहूंगी, वही चाहे बेगुनाह जवानों के हत्यारे नक्सलीवाद हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या 8वें दशक में पंजाब में गुरुओं की पावन भूमि को देश में काट कर खालिस्तान बनाने का सपना देखने वाले विदेशों में बैठे हुए आतंकवादी हो। लोकतंत्र हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश के अखंडता, एकता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, विचारों की अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। मैंने किसी भी जाति, मजहब या समूह के बारे में कभी कोई अपमानजनक या नफरत फैलाने वाली बात नहीं कही है। कंगना ने अपने पोस्ट में आगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी संबोधित करते हुए लिखा है कि मैं कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को याद दिलाना चाहती हूं कि वो भी एक महिला है। आपकी सास इंदिरा गांधी जी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय तक मजबूती से लड़ी। कृपया पंजाब के अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि वह इस तरह की आतंकवादी विघटनकारी देश विरोधी ताकतों के धमकी पर तुरंत कार्रवाई करे। मैंने धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी जल्द कार्रवाई करेगी। देश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसके लिए मुझे बलिदान भी देना पड़े तो मैं स्वीकार करती हूँ, पर मैं ना डरी हूँ ना डरूंगी। देश के हित में हमेशा गद्दारों के खिलाफ बोलती रहूंगी। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात को संतर्व के बिना प्रयोग कर रही हैं। अगर मुझे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिए नफरत की राजनीति और बयानबाजी करने वाली ही पूरी तरह से उत्तरदायी रहेगी। इनसे कर्मबंद निवेदन है कि चुनाव जीतने की राजनीति महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी भी प्रति नफरत ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि कंगना रनौत ने पहले किसान आंदोलन के आंदोलनकारियों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। इसके बाद कंगना के खिलाफ दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने FIR भी दर्ज करवा दिया था। इसके अलावा मुंबई में भी कंगना के विवादित बयान के बाद उन्हें खिलाफ
कक्कट। उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाया जा चुका है। वैसे कंगना को पहले ही केंद्र सरकार से वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत पिछली बार थलावी मूवी में नजर आई थी। अब उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ और तेजस की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इन फिल्मों के अलावा कंगना रनौत मणिकर्णिका रिटर्न, सीता द इनकॉर्नेशन और इमरजेंसी जैसी फिल्मों में काम कर रही हैं, और साथ ही साथ कंगना रनौत एक फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं। आपको बता दें कि वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस और कोई नहीं, कंगना रनौत है। कंगना रनौत अक्सर अपने तीखे बयान के वजह से चर्चे का विषय बनी रहती हैं। फिल्में तो उनकी अच्छी आती है, फिल्मों में वो काम भी करती हैं, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा वो अपने तीखे बयान और बातों की वजह से चर्चे का विषय बनी रहती है। कभी वो किसान आंदोलन को लेकर बयान करती हैं, तो कभी मुंबई में हुए आतंकवादी हमले को लेकर बयान कहती हैं। अब ऐसे में अपने बयानबाजी के चक्कर में कंगना रनौत के ऊपर जानलेवा धमकी आ चुकी है। पंजाब के भटिंडा के एक व्यक्ति ने कंगना रनौत को जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। अब कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से अनुरोध किया है कि वो पंजाब के मंत्री से, पंजाब के CM से अनुरोध करे और बोले कि उस भटिंडा के व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए और उसको पकड़ा जाए, कि वो ऐसे किसी को भी जान से मारने की धमकी नहीं दे सकता है। लेकिन कंगना रनौत हमेशा अपने तीखे बयान तो देती रहेंगी और आगे का पता नहीं। लेकिन कंगना रनौत अपने इस तीखे बयान से कभी पीछे नहीं हटने वाली हैं। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है अपने इस ओपन लेटर में, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मैं किसी भी ऐसी धमकी से डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कितना भी कुछ कह लो, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी और गद्दारों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहूँगी। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।